असीम, अद्भुत और निर्जन। हिमाचल प्रदेश का यह सूबा कभी पश्चिमी तिब्बत के साम्राज्य का हिस्सा था। हिमालय की गोद में बसे स्पिति तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है। पर फिर ये लौंडा, जो कि अपने आप को बर्फ का देवता शिमलाइट बताता है, जो कि मैं ही हूँ, कैसे पहुंच जाता हूँ फरवरी के महीने में 4 फुट बर्फ के बीच -10 डिग्री की ठंड में अकेला, एक जोड़ी कपड़ों में एक ऐसे गांव जहां पर रखी हुई है एक 500 साल पुरानी मम्मी, जिसे आप अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हो। आइए जानते हैं, अब तक आपने देखा कि कैसे मैं अपनी शुरुआत करता हूँ ख्वाब संगम से और मरते मरवाते पहुंच जाता हूँ नाकों। अब ये मत पूछना क्या मरवाते हुए भाई जी, फिर जमी हुई नाकों लेक पर कुछ वक्त लुंडी करने के बाद मैं वहां से HRTC की 11 नंबर की बस पकड़ के समदो की ओर टीटी हो जाता हूँ। समदो पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, तो इसलिए मैं फैसला करता हूँ वहीं पास ही एक गांव में रुकने का, जिसका नाम है गियू गांव। अब आगे तो व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल है, दाशिम नाइट के एक नए व्लॉग में। और दाशिम नाइट इस वक्त कहाँ है उसको सुन के तुम बहुत हैरान रह जाओगे, चौंक जाओगे एकदम से। मेरे पीछे है गियू विलेज, जहाँ पे है एक 500 साल पुरानी रियल मम्मी, जैसी इजिप्ट में होती है ना वैसी वैसी, मतलब सेम तो वैसी नहीं, पर जिसे मम्मी कहा जाता है ना, वो आपको यहाँ इस रास्ते से आगे जाने पे मिलेगी। कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, वो मैं तुम्हारे को बाद में बताता हूँ। तो एक तो ये गेम है कि यहाँ है मम्मी, और मेरे पीछे पता क्या है, मेरे पीछे है वहाँ पे ना रियल आर्मी के रियल बंकर्स। मैंने अभी जूम करके ढंग से देखा, पहले मेरे को एक दो दिखे, मैंने सोचा ये क्या है, फिर मैंने थोड़ा डिटेल में देखा इसका इंटरनेट पे अभी फटाफट, कि ये जो गांव है ना गियू गांव है, ये इंडिया का, पर क्लेम इसको चाइना करता है। विकिपीडिया पे तुम सर्च करोगे ना गियू गांव के बारे में, ये तुम्हारे को उसमें तिब्बत के अंदर दिखाया जाएगा, ये गांव जिसमें मैं भी जाऊंगा और रहूंगा और मम्मी देखूंगा। तो जैसा कि तुमने, तुम्हारे को पता ही होगा जो मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, कि मैं स्पीति एक्सप्लोर करने निकला हूं, और आज मेरा पहला ही दिन है, तो आज मेरे पहले दिन का स्टे होने वाला है यहां पे गियू गांव में। तो ये रही वो उस गांव का गेट, यहां से कम 9 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा उस गांव को देखने के लिए। और अब मैं तुम्हारे को दिखाता हूं वो आर्मी के बंकर्स कहां पे। इन आर्मी के बंकरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये मुझसे कह रहे हो कि आगे गया तो ऐसी जगह गोली मारेंगे जहां ना किसी को बता पाएगा और ना दिखा पाएगा। पर फिर भी मैं आर्मी की निगाहों के नीचे से ठस्से में गांवों की ओर चलने लगता हूं, और कुछ देर चलने के बाद मुझे लिफ्ट मिल जाती है जो मुझे सीधा मेरे होमस्टे तक ले जाती है। अगली सुबह तुम मेरे पीछे देख सकते हो या नहीं, मेरे को ये आइडिया नहीं है अभी, पर जो तुम ये मेरे पीछे देख रहे हो ना, इसके बाद एकदम से सीधा चाइना का विलेज लगता है, और ये यहाँ से कम 1 किलोमीटर भी नहीं है मैं जितना देख पा रहा हूँ, मतलब ये जो सामने तुम पहाड़ देख रहे हो इसके मतलब जो टॉप पे है ना, ये यहाँ से चाइना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा समझ सकते हो तुम। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9 मेरे पास, पर लेकिन तुम्हारे फ़ोन में अभी सुबह के 7 बज रहे होंगे। अब यहाँ पे टाइम जोन का बहुत डिफरेंस है, वो कैसे है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो अभी मैं कहाँ हूँ, अभी मैं हूँ एक होम स्टे में, तो पहले तुम्हारे को होम स्टे दिखाता हूँ, उसके बाद चलेंगे हम 500 साल पुरानी मम्मी देखने, जो यहीं से मतलब यहाँ से थोड़ा ही आगे है। तो गाँव घूमते घूमते उस मम्मी को देखेंगे और पता करते हैं कि वो सच में वहाँ मम्मी रखी है कि नहीं रखी है, कितने साल पुरानी है। ये सब तो बस बकचौदी है, अभी मेरा मेन मकसद है एक जरूरी कार्यक्रम को अंजाम देना, और वो जरूरी कार्यक्रम है पॉटी करना, बाकी सब तो होता रहेगा। तो जैसे ही मैं अपनी इस पॉटी वाली साजिश को अंजाम देने निकलता हूँ, तभी मुझे एक बात पता चलती है जो मेरा मोशन तोड़ देती है, और वो बात ये थी कि यहाँ वेस्टर्न या इंडियन टॉयलेट्स तो होते ही नहीं है, यहाँ तो बिना पानी वाले ड्राई टॉयलेट होते हैं। अब तुम पूछोगे कि ये ड्राई टॉयलेट का क्या सीन है भाई जी, आइए इस झोल को समझते हैं। मैं दिखा रहा हूँ तुम्हारे को एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ के टॉयलेट, यहाँ पे 2 टाइप के टॉयलेट होते हैं, एक ड्राई टॉयलेट, एक नॉर्मल वेस्टर्न टॉयलेट। तो वेस्टर्न तो आजकल के महीने में बंद होते हैं, पर जो ड्राई टॉयलेट होते हैं वो इस तरह के दिखाई देते हैं, और यहाँ चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ है, बाकी अंदर से मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या सीन है। तो कुछ इस टाइप के होते हैं ड्राई टॉयलेट, यहाँ पे मिट्टी रखी है, अपना कांड इसमें करो और मिट्टी से भर दो इसको, और जब मिट्टी से भर दोगे तो उसके बाद इसके अंदर उसकी खाद बनती है जो निकाल के खेतों में डाली जाती है। तो इस टाइप का कुछ वो टॉयलेट है, और यहाँ पे टॉयलेट पेपर होता है उसे साफ़ करना पड़ता है, पानी का यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पानी यूज़ किया तो वो बिल्कुल जम जाता है। तो ये मिट्टी रखी है यहाँ पे, मतलब मिट्टी क्या गोबर है ये, तो गोबर इसमें डालो और
चलते बनो। तो कुछ इस टाइप के टॉयलेट होते हैं यहाँ पे, स्पीति, लद्दाख, जहाँ पे बहुत ही ठंड होती है क्योंकि पानी पूरा का पूरा जम जाता है। तो यहाँ तुम देख सकते हो, मतलब देख तो नहीं सकते पर देख लिया तुमने कि कैसी होती है ड्राई टॉयलेट। तो अब उतरते हैं यहाँ से नीचे और अब बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, जिनका नाम है जेरेंट। ये क्या करते हैं? ये आपको सिखाते हैं एथिकल हैकिंग, कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, जितने भी सारे कोर्सेज हैं जिनके लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है और बहुत सारी फीस पे करनी पड़ती है। ये आपको बहुत ही कम प्राइस में ऑनलाइन और ऑफलाइन सिखा देंगे। ऑफलाइन ये आपको सिखाएंगे शिमला में ही। तो इनका नंबर और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो वहाँ जाके उनसे बात कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट पर जाके इनके कोर्सेज देख सकते हैं। तो अब मैं अपना कार्यक्रम पोस्टपोन करके निकल जाता हूँ वो मम्मी देखने, जो रखी हुई है इस मॉनेस्ट्री के पास बने एक छोटे से कमरे में। डीएनए जांच से पता लगा कि मम्मी करीब 500 साल पुरानी है और कमाल की बात है कि मम्मी की त्वचा और सिर के बाल आज तक सुरक्षित है। मिस्र की मम्मीज की तरह इस मम्मी पर रसायनों का इस्तेमाल करके उसे कृत्रिम तरीकों से संरक्षित नहीं रखा गया है। इतने सालों बाद भी यह मम्मी कैसे सुरक्षित है आज तक ये राज कोई नहीं जान पाया है। अगर आप कुछ सालों पहले यहाँ आए होते तो आप इस मम्मी को अपने हाथों से छू भी सकते थे, क्योंकि जो तुम ये शीशा देख रहे हो ये कुछ सालों पहले यहाँ नहीं था। तो तुम जैसा कि देख सकते हो, ये मेरे सामने वो मम्मी रखी है। इस मम्मी के ना अभी दांत भी बिल्कुल सेफ है और लोग बालों का भी बोलते हैं, और बाल तो मेरे को भी दिख नहीं रहे, पर तुम इस मम्मी के दांत देख सकते हो। और ये मम्मी ऐसे क्या है, बिल्कुल हड्डियां देख सकते हो तुम इस मम्मी की। ये मम्मी है शांगा तेंजिन नाम के एक बौद्ध भिक्षु की, मतलब मॉन्क की मम्मी है और ये 500 साल पुरानी है। जब IDBP वाले यहाँ पे बंकर बना रहे थे ना, तो उस वक्त ये मम्मी मिली थी, तब से इसको मम्मी को यहाँ पे रखा गया है। कुछ बंदों को ये मम्मी मतलब रियल नहीं लगेगी, तो ये मैं उनको बता दूँ। कुछ टाइम पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट आए थे यहाँ पे और उन्होंने मतलब यहाँ पे रिसर्च की और ये पता लगाया कि ये जो मम्मी है ना ये बिल्कुल रियल है और इसकी मतलब एज बताई गई कम से कम 1430 ईस्वी, मतलब 1430 के आसपास। तो 1430 की ये मम्मी है जो यहाँ पे अभी हमने देखी। तो अब चलते हैं यहाँ पे, ये मोनेस्ट्री टाइप की शायद ये अभी खुली नहीं है तो इसको तो बाहर से ही देखते हैं। तो अब चलते सीधा अपने होमस्टे की तरफ। और यहाँ पे पता एक और झोल क्या है जो मेरे को कल रात को रात के टाइम पता चला, जब मतलब मैं किसी से बात कर रहा था और मैंने उसको बोला कि 10 बज गए सोना नहीं है, और उसने मुझे पता क्या कहा, उसने मेरे को बोला बाबे कहे के 10 बजे, क्या बोल रहा है अभी तो 7 बजे है। फिर मैं सोचूं मेरे फ़ोन में टाइम ऐसे 10 बजे का क्यों दिखा रहा है जबकि अभी तो 7 बजे है। तो फिर मैंने अंकल से पूछा, अंकल कहते कि जैसे ये चाइना बॉर्डर के एकदम पास में है ना ये गांव, तो यहाँ पे दिल्ली का टाइम नहीं चलता, यहाँ पे बीजिंग का टाइम चलता है जो कि चाइना में है। तो बीजिंग के टाइम के हिसाब से ये हमारे को यहाँ पे टाइम दिखाता है इस गाँव में। तो ख़त्म करते इस ब्लॉग को यहीं पर, बस अब मैं ब्रेकफास्ट करने जाता हूँ और मैं निकलता हूँ यहाँ से ताबू की तरफ जो कि कम से कम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो फ्यूचर में अगर तुम इस टाइप के ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। तो अब मैं निकल रहा हूँ ताबो की तरफ जहाँ पे 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री, तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, और बाहर शायद बर्फ पड़ चुकी है तो देखते हैं मैं ताबो पहुँचता हूँ आज की नहीं पहुँचता हूँ। तो मिलता हूँ तुम्हारे को अगले ब्लॉग में। ओके बाय।